और बड़ी खबर का, तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आदमपुर में कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे कांग्रेस चुनाव प्रचार। दीपेंद्र हुड्डा भी करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है और जयप्रकाश के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की जाएगी। तो महज कुछ घंटे रह चुके हैं और ऐसे में तमाम स्टार प्रचारक जनता के बीच जा रहे हैं। और ब्यूरो चीफ दीपक जी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक जी, कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, आज भी कई रैलियों का आयोजन है और जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से हमने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस के जयप्रकाश जो है उम्मीदवार हैं, जो कि पहले सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। जयप्रकाश जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है, जिनके प्रचार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आज कई कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। साथ साथ उदय भान भी आज आदमपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। तो एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा होंगे, उदय भान होंगे प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है। इसके साथ साथ आज कैप्टन अजय यादव जो है वो भी एक प्रेस वार्ता करेंगे। 11 बजे कैप्टन अजय यादव जो है वो आदमपुर में एक प्रेस वार्ता करेंगे। कैप्टन अजय यादव अभी आए हैं, आज ही आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो ऐसे में पार्टी के तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है इस अंतिम प्रचार के दौर में, क्योंकि अब कल शाम तक का प्रचार बचा है। तो ऐसे में तमाम नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर जो है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई, जिसमें आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान और कैप्टन अजय यादव वो चुनाव प्रचार करेंगे। इनके साथ एक और नाम बताना चाहूंगा कि कुलदीप शर्मा जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो है, कुलदीप शर्मा भी आज चुनाव प्रचार के लिए आदमपुर में आ रहे हैं। आज दोपहर को चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, तकरीबन 1 बजे के करीब कुलदीप शर्मा जो है उनके कई कार्यक्रम यहाँ पर हैं, जहाँ वो लोगों को संबोधित करेंगे। जी दीपक जी, साफ है कि जितने भी स्टार प्रचारक है चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की भी अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अब अंतिम दौर में ये चुनाव का प्रचार है, तो ऐसे में तमाम जो पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में जो है प्रचार के लिए उतार रही है। चाहे वो हम बीजेपी की बात करें, क्योंकि 1 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो रैली है आदमपुर के अंदर, इसी तरीके से हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में आज हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अजय यादव, कुलदीप शर्मा, तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, उदय भान है, वो लोग आज चुनाव प्रचार के लिए आदमपुर में पहुंचेंगे। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम थे, हालांकि जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि वो स्थगित हो गया अरविंद केजरीवाल का, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में जुटे हुए और एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर इस वक्त अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है देखा जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक जी, कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखी जा रही है और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।